चलिए तो आई थिंक स्टार्ट हो गया ना सेशन। एक बार कंफर्म कर लिया जाए, देख लेते हैं एक बार। बस यस स्टार्ट हो गया है ना। चलिए ये मेरे लैपटॉप पे तुरंत ही प्ले हो जाता है ना, जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है फटाक से मेरा लैपटॉप में एक प्ले आ जाता है ना, और ये पता चल जाता है सेशन स्टार्ट हो चुका है। चलिए तो बहुत ही बढ़िया स्टार्ट करते हैं सेशन को, ठीक है। ऑलरेडी अपन थोड़ा सा 1 मिनट लेट हो गए हैं यहाँ पे, और अब और आगे लेट नहीं होंगे। चलिए एक बार अब बिल्कुल कंफर्मेशन मिल गई है, सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। तो हाय गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड। मैं हूँ सौरभ, आप सभी लोगों का शानदार साइंस फैकल्टी। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आपको केवल मेरे साथ भरोसा दिखाने की जरूरत है और क्लास में बने रहने की जरूरत है। चलिए तो स्टार्ट करेंगे। आज जैसा आप अपने सामने देख सकते हैं कि आज का टॉपिक क्या है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यानी कि वैज्ञानिक उपकरण, ठीक है। और ये जो टॉपिक है ये आपका कह सकते हैं ये साइंस में आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में इसको मत गिनिए कि ये किस में आता है, एक अलग से साइंस का टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, और मुझे लगता है जरूरी टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको उठा लिया कि अपन यहाँ पे 35-40 सवाल करेंगे, और जितना भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी मैं दूंगा आपको, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। योगेश, दिनेश, शिवा, देवेश, बहुत ही बढ़िया। चलिए सभी लोग आ गए हैं, सभी को गुड इवनिंग भाई लोग, है ना। और बायो कल से होगा दिनेश मेरे भाई, है ना, कल से बायो स्टार्ट होगा। एक ये चैप्टर बचा रह गया था तो मैं इसको आज कंप्लीट कर रहा हूँ, और कल बुधवार से अपन बायोलॉजी शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा बता दूं, इंट्रो हो जाए, 2 मिनट का इंट्रो हो जाए, फिर इसके बाद चलते हैं। शीतल मैम की क्लास आपकी 11 बजे होती है, योगी सर की शाम को 7 बजे, रविंदर सर की 8 बजे, राहुल सर की चली रही है 9 बजे, अभी थोड़ी देर में खत्म होगी, और मेरी क्लास होती है रात को 10 बजे, समापन समारोह मैं ही करता हूँ रेलवे की क्लासेस का। और आपके सामने एक वो है कि आप साइंस वाई सौरभ सर, ये आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे आप PDF या डाउट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, सारी PDF आपको इसी ग्रुप में मिलेंगी, साइंस वाई सौरभ सर, क्लियर। और रियल डॉट सौरभ के नाम से इंस्टाग्राम हैंडल है, आप यहाँ पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं पर्सनली, और स्पेशल ऑफर्स में आप हमेशा सौरभ कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी कोर्स के लिए। यहाँ पे रैंक बूस्टर कोर्स जो RRB NTPC CBT 2 का लॉन्च है, मैक्सिमम डिस्काउंट इस पे मिलेगा 35% का, 979 से भी सस्ता, ये 909 रुपये में मिलेगा कोर्स आपको। सौरभ कूपन कोड या सौरभ सर कूपन कोड, दो में से कोई भी आप अप्लाई कर दो, है ना, इस पे आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। तो थोड़ा बहुत आप अगर पैसे खर्च करने की सोच रहे हैं तो आप यहाँ पे खर्च कर सकते हैं, अच्छा कोर्स है, मजा आएगा, प्रैक्टिस आपको बढ़िया मिलेगी, ठीक है। श्रेयस प्रणाम मेरे भाई, प्रमोद, प्रिंस, बहुत लोग आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं फटाफट, है ना, और एक बार लाइक कर दो वीडियो को फटाक से। और चलिए चलते हैं पहले सवाल की तरफ। आज का जो सेशन है महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, और अपन करेंगे MCQ के फॉर्म में सारे सवाल, ठीक है, क्योंकि ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट वैज्ञानिक उपकरण ऐसी चीज है कि अगर मैं एक एक को लेकर के पढ़ाऊंगा तो वो भी थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, है ना, वो थोड़ा सा बोरिंग होगा, क्योंकि इसमें ऐसा कोई खास कंसेप्ट समझाने जैसा नहीं है, ये थोड़ा सा रटने वाली चीज है जो कि आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। तो रटने वाली चीजों को अगर MCQ के रूप में किया जाए तो वो थोड़ा सा ज्यादा आसान होता है याद रखने में, है ना। तो पहला सवाल आप सबके सामने आ गया, और इसमें मैंने हिंदी नहीं लिखा है क्योंकि हिंदी में भी इंग्लिश ही लिखा रहता तो आपका सही आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI का होता है फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, MRI स्कैन, ये आपका मेडिकल सेक्टर में इस्तेमाल किया जाता है ना, MRI स्कैन वगैरह करने के लिए। चलिए अगला सवाल है, अति उच्च तापमान मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, डिवाइस यूज टू मेजर हाई वेरी हाई टेम्परेचर। एक बार वीडियो फैला तो दो, है ना, थोड़ा सा लाइक कर दो और थोड़ा शेयर कर दो फटाफट, पहले वीडियो को शेयर कर दो, मैं भी थोड़ा सा डाल देता हूँ, आप लोग भी डाल दो, ठीक है, मेरे ही ग्रुप में मत कर देना साइंस वाले में, क्योंकि उसमें ऑलरेडी मैं डाल रहा हूँ, है ना, आप लोग अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में डाल दीजिए और कोई हो तो, चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल आप सभी के सामने, चलिए बहुत ही बढ़िया, अगला सवाल है कौन सा सही आंसर हो जाएगा इसमें, पाइरोमीटर, बिल्कुल पाइरोमीटर, इसका भी ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है, पाइरोमीटर आपका उच्च तापमान हाई टेम्परेचर नापने के लिए इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। तो सेकंड का ये आंसर बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ, सबका करेक्ट आंसर है, आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह का कुछ गन की तरह है ना, ये आप टेम्परेचर गन,
इस प्रकार का कुछ ये डिवाइस होता है जिससे आप उच्च तापमान माप सकते हैं। अगला सवाल है, तीसरा सवाल आप सभी के सामने, तीसरे सवाल का आंसर करेंगे। बताइए क्या होगा, थियोडोलाइट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? थियोडोलाइट इज यूज्ड टू मेजर, थियोडोलाइट का इस्तेमाल क्या मापने में किया जाता है? फटाक से आंसर कर दो। चलिए क्या होगा, तीसरे सवाल का आंसर करेंगे फटाक से। आंसर सभी के तेजी से आएंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे जिससे अपन जल्दी जल्दी बढ़ पाए और थोड़ा सा जोश दिखाएंगे क्लास में, है ना, थोड़ा सा अपना जोश जरूर दिखाएंगे क्लास में, जोश मेंटेन रहना चाहिए। आखिरी क्लास है तो आखिरी क्लास जैसा जोश दिखाओ, ठीक है, कि मजा आ जाए मुझे भी। आंसर होगा हैट्रिक लग गया है, बिल्कुल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। थियोडोलाइट जो होता है आपने देखा होगा कभी कभी रास्ते में चलते हुए, कुछ लोग इस प्रकार के इंजीनियर जो होते हैं, है ना, वो इंजीनियर इस तरह का एक मशीन लेकर के खड़े रहते हैं रोड के किनारे, है ना, और वो कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। कई बार हमने देखा और हम सोचते हैं कि भैया ये देख क्या रहा है, ठीक है, तो ये जो है यही उपकरण थियोडोलाइट कहलाता है और ये आपका क्षैतिज और लंबवत कोण नापता है, ठीक है, रोड वगैरह बनाने के लिए ये सारी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल मापने में। क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल है कि दिष्ट धारा की शक्ति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्ट करेंट विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड, कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करेंट का क्या नापने के लिए, कि वो कितना, मतलब उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, उसके इसका आंसर कर दो। टैकोमीटर, स्पेक्ट्रोस्कोप, वोल्ट मीटर या टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसको बोला जाता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर यानी स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर। क्या होता है, जो एक आपका विद्युत परिपथ है तो वो विद्युत परिपथ में इसको लगाया जाता है, ठीक है, जैसे कि ये आपका कोई विद्युत परिपथ है तो यहाँ पे आपका टेंजेंट गैल्वेनोमीटर लगा देंगे और यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, तो क्या होता है जब इसमें से करंट जाता है, तो करंट जाता है तो ये इसमें मैग्नेटिक नीडल प्रेजेंट होती है, क्या होती है, चुंबक की एक सुई प्रेजेंट होती है, नीडल प्रेजेंट होती है, और ये क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है, ये क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है, जितना तेज करंट बहेगा उतना तेज ये डिफ्लेक्ट होगी, तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा सवाल, इस फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है किस चीज में? बहुत ही आसान सा सवाल, नाइजीरिया युगांडा तक के बच्चे आंसर करेंगे इस सवाल का, ठीक है, श्रेयस, नीरज, बहुत ही बढ़िया गाइस। चलिए, इस फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है किस चीज के मापने में, इस फिग्मोमैनोमीटर फटाक से आंसर कर देंगे, क्या मापने में किया जाता है? पांचवा सवाल, बी ऑप्शन, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करने में, रक्तचाप मापने में इसका इस्तेमाल होता है। बेहद आसान सा सवाल है, आपने देखा होगा इस प्रकार का, इसको अपने हाथ में बांधा जाता है और ये फुसफुस से दबाते हैं तो क्या पता चलता है, आपका रक्तचाप पता चलता है, 80 मिलीमीटर बाई 120 मिलीमीटर ऑफ एचजी, ये क्या है, सामान्य रक्तचाप होना चाहिए मानव शरीर का। चलिए अगला सवाल, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर था लास्ट क्वेश्चन का। प्रत्यावर्ती धारा को एक दिशा धारा में या एक दिश धारा में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाना चाहिए, ये आपको सवाल में बताना है, ये आपको सवाल में बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेंज अल्टरनेटिंग करेंट इंटू डायरेक्ट करेंट, डायनामो का इस्तेमाल नहीं होता, डायनामो नहीं आंसर होगा, रेक्टिफायर भी आपका यहां पे क्या हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा, बिल्कुल रेक्टिफायर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन, बड़ा ही शानदार है, ठीक है, आपका रेक्टिफायर अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये क्या करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने का ये काम करते हैं। क्लियर है, चलिए बहुत ही बढ़िया, ओके, ऑसम। चलिए सभी को गुड इवनिंग, जो नए लोग आए हैं, मेरे भाई लोग जुड़े हैं अभी, गुड इवनिंग, और एक बार फटाक से वीडियो को लाइक करेंगे और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्ज पे लगा लीजिए मोबाइल, किसी का नहीं बंद होना चाहिए। प्राणनाथ की जय हो, जय महाकाल मेरे भाई, वेलकम यार, आप मजेदार हो, आपका इंतजार करता रहता हूं मैं, चलिए आ जाइए, है ना। क्या होगा, किसी क्षेत्र की वर्षा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर, बिल्कुल रेन गेज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, रेन गॉज, ये क्या होता है, वहां पे वर्षा कितनी हुई, है ना, कितने मिलीमीटर में वर्षा हुई है, इस बात को मापने के लिए रेन गॉज का इस्तेमाल वहां पे किया जाता है, रेन गॉज का इस्तेमाल। क्लियर, बड़ा आसान सा था वो सवाल, बड़ा आसान सा था, है ना, सी गौतम, बहुत ही बढ़िया।
दाब, दाब के प्रति संवेदनशीलता, संपीड्यता मापने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण कौन सा है? इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग प्रेशर, सेंसिटिविटी ऑफ प्रेशर या कंप्रेसिबिलिटी, क्या चीज नापता है? गुरुजी तुम मेरे सपने में, ऐसा क्या हो गया मेरे भाई, ऐसा क्या हो गया, मैं सपने में आ रहा हूं आपके। चलिए बहुत ही बढ़िया है ना, सभी लोग के सपने में आऊंगा यार थोड़े दिन बाद, इतना पढ़ा दूंगा ना कि पूरे टाइम दिमाग में सौरभ सर गूंजेंगे। चलिए बहुत ही शानदार, आगे बढ़ते हैं। क्या होगा सही आंसर 8वें का? पीजोमीटर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है तुम्हारा, पीजोमीटर आपका शानदार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या नापता है? दाब के प्रति संवेदनशीलता, यानी कि उसका क्या नापता है, सेंसिटिविटी नापता है प्रेशर की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्टीमीटर हाइट नापता है, एरोमीटर स्मेल नापता है। बहुत ही बढ़िया दीपा, आगे बढ़ते हैं। ऊंचाई का उन्नयन, सॉरी ऊंचाई या उन्नयन मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही बढ़िया ये डिवाइस है। विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द हाइट और एलिवेशन? एलिवेशन मतलब जैसे अगर यहां से किसी चीज का कोण बन रहा है थीटा, तो ये एलिवेशन नापने के लिए है ना, ये कोण नापने के लिए। मान लीजिए कोई बिल्डिंग की ऊंचाई नाप रहे हैं, तो उसका उन्नयन कोण या आप उसकी ऊंचाई नापने के लिए कौन से इस्तेमाल करते हैं उपकरण का? सी ऑप्शन, हिप्सोमीटर बोल रहे हैं सभी लोग आंसर, और बिल्कुल हिप्सोमीटर करेक्ट आंसर है। आप अगर देखें तो कुछ इस प्रकार का ये हिप्सोमीटर दिखता है, और यहां पे अगर आपके स्क्रीन में दिख रहा हो तो ये देखिए, ये कुछ यहाँ पे उन्नयन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बनते हुए, है ना, यहाँ पे उन्नयन, यहाँ पे कोण बनता हुआ इस प्रकार का दिख रहा होगा। तो जब भी जिस वस्तु को आप देखते हैं उसका यहाँ पे क्या बन जाता है सारा, कि उसका परपेंडिकुलर कितना है ना, उसका आधार बेस कितना है, और उसका आपका क्या है हाइपोटेनस कितना है। ठीक है, तो आप वहां से कोण निकाल सकते हैं, वहां से आप आसानी से कोण निकाल सकते हैं। प्रिंस मेरे भाई वेलकम। चलिए ठीक है, 9th का सी आंसर, सभी लोग जब आंसर करो तो प्लीज ऐसे करिएगा, 10th का बी, 10th का ए, जिससे मुझे पता चले आप कौन से सवाल का आंसर कर रहे हैं ना, थोड़ा सा क्योंकि आगे पीछे रहता है मामला, बड़ा करीबी मामला रहता है। बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़े। कैमरे की तरह होता है, बिल्कुल। और यार एक बार लाइक वाइक करेंगे है ना, लाइक की बटन दबती रहनी चाहिए क्लास में, पूरा जोश बना रहना चाहिए। 10वें का डी आंसर, एंडोस्कोप, बिल्कुल एंडोस्कोप करेक्ट आंसर है। कुछ इस प्रकार का ये यंत्र होता है, अगर आप देखें ये ऐसा यंत्र है जो शरीर के आंतरिक अंगों की जांच के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आंतरिक अंग मतलब जैसे आपका पेट वाला हिस्सा हो गया, आपका ये फेफड़े वाला हिस्सा हो गया, या आपकी आंत्र वाला हिस्सा हो गया, तो ये हिस्से ऐसे हैं जिनको बाहर से नहीं देखा जा सकता। तो एक ये पाइप की तरह कैमरा होता है, अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो देखिए ये आपका एंडोस्कोप किस तरह से, ये यहां से एक नली की तरह इसके पेट में गया है, यहां तक है ना, कहां तक पहुंचा है, एकदम छोटी आंत्र के डुओडेनम वाले भाग तक ये आपका कैमरे की तरह पहुंचा है, और कुछ इस प्रकार का मॉनिटर में ये चित्र प्रदर्शित करता है। इससे डॉक्टर पता कर पाते हैं कि अंदर अगर कोई शरीर में तकलीफ है, प्रॉब्लम है, तो आपका उससे कैसे ये दूर की जा सकती है। तो एंडोस्कोप कहते हैं उस डिवाइस को। फटाफट एक बार शेयर करेंगे वीडियो, अगले सवाल में चलेंगे। बहुत ही शानदार, इलेक्ट्रो एनसेफलोग्राफ का उपयोग मापने में किया जाता है, किस चीज को मापने में? अरे इस बार रेलवे का आप दामाद क्या, मैं आपको सब कुछ बना दूंगा, भाई भतीजा बाप जो भी बनना होगा रेलवे का, है ना, दामाद उमाद सब बना देंगे, शानदार ढंग से साइंस पढ़ाऊंगा, है ना। चलिए सर ऑप्शन का भी पोस्टमार्टम कर दो सर प्लीज। ऑप्शन का पोस्टमार्टम कर तो देंगे दिनेश, लेकिन लगभग लगभग सब में सेम ही अब मैंने ऑप्शन डाले हैं, है ना, तो धीरे धीरे खुद ही सारे ऑप्शन का पोस्टमार्टम हो जाएगा, है ना। चलो बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़े। बी ऑप्शन आ रहा है आंसर, रिकॉर्ड्स एंड इंटरप्रेट्स द इलेक्ट्रिकल वेव्स ऑफ द ब्रेन, मस्तिष्क की विद्युत तरंगों को रिकॉर्ड और व्याख्या करता है क्या? इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफ। बहुत ही बढ़िया, इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफ से याद रखिएगा ये बात को, है ना, मस्तिष्क तरंगे, हमारे दिमाग में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल उत्पन्न होते हैं, इलेक्ट्रिकल वेव्स उत्पन्न होती हैं, उस चीज को नापता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, मैंने बड़े अतरंगी अतरंगी उपकरण आज लेकर के आया हूं, बड़े अतरंगी अतरंगी उपकरण हैं, अच्छे अच्छे उपकरण हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा बहुत आगे कोशिश करेंगे पोस्टमार्टम करने की भी, है ना, क्योंकि सभी का मन रखना होगा यहाँ पे। चलिए बहुत ही बढ़िया, इनविटेशन एंड डिस्कवरी, डिस्कवर का पीडीएफ सर, बिल्कुल। अरे यार पीडीएफ की चिंता नहीं करो, है ना, इनविटेशन, सॉरी इन्वेंशन एंड डिस्कवरी की पीडीएफ मिल जाएगी।
बहुत ही आसान सा सवाल है, फटाक से आंसर आना चाहिए। 12वें सवाल का, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल सी आंसर, डायनामो है ना, कुछ इस प्रकार का ये होता है, ये यांत्रिक ऊर्जा या को विद्युत ऊर्जा में बदलता है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत। ये क्या है आपका? मैकेनिकल एनर्जी। ये क्या है? यांत्रिक। ये क्या है तुम्हारा? एक प्रकार से यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है यहाँ पे मशीन में, और ये यांत्रिक ऊर्जा इस प्रकार से तारों के तरह है ना, तारों के माध्यम से यहाँ पे तार लगे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है उस यंत्र के गोल गोल घूमने से। तो यांत्रिक ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो रही है? करंट में, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित यहाँ पे तुम्हारी हो रही है। क्लियर है यहाँ पे? वोल्ट मीटर आपको पता है वोल्टेज नापने के इस्तेमाल आता है, गैल्वेनोमीटर आपका नापने में किसमें आता है, केवल और केवल किसी परिपथ में धारा है कि नहीं इस बात का पता चलता है गैल्वेनोमीटर से। क्लियर है यहां तक? चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़े आगे बढ़े सभी लोग शानदार ढंग से। चलिए भाई लास्ट में चाय पियेंगे, आज ठंड बहुत है यार, आज कड़ाके की ठंड है ना, क्लास खत्म होने के बाद बैठ के चाय पीना है सबको साथ में। अगला सवाल, क्रायोमीटर, क्रायोमीटर क्या है बता दो। 13वां सवाल, अरे यार लाइक और शेयर कर दो यार, मजा नहीं आता, तुम लोग आखिरी क्लास को वो इज्जत नहीं देते जो बाकी की पहली क्लासों को देते हो, है ना, वो इज्जत नहीं मिलती कि 50 या 100 पहुंच जाए लाइव काउंट, या तो सबका नेट खत्म हो जाता है, जो भी है। 13वें का सवाल, ए ऑप्शन तुक्का मार रहे हैं दीपू भाई, मेरे भाई यहां तुक्का मार लो, परीक्षा में तुक्का ना मारना है ना, नहीं तो रेलवे वाले तुक्का कर देंगे। चलिए है ना, अगला सवाल क्या होगा, क्रायोमीटर क्या है, अ टाइप ऑफ थर्मोमीटर यूज टू मेजर वेरी लो टेम्परेचर। तो 13वां वाले आंसर का बिल्कुल तुक्का भी सही है ना, एक प्रकार का ये थर्मोमीटर है जो बहुत कम तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्रायोमीटर है ना। तो यहाँ पे आप सो याद रखिए, कभी भी बोला जाए क्रायोजेनिक्स है ना, एक और शब्द का इस्तेमाल किया जाता है क्रायोजेनिक्स, तो आज से याद रखेंगे क्रायोजेनिक्स क्या होता है, बहुत ही कम तापमान से संबंधित अध्ययन होता है, बहुत ही कम तापमान पर जब किसी चीज का अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं क्रायोजेनिक्स है ना, और उसी प्रकार क्रायोमीटर भी होता है। क्लियर है यहां तक मेरे भाई? चलिए कौन है भाई लॉलीपॉप? अगला सवाल, कम समय को मापने और रिकॉर्ड करने का उपकरण कौन सा है? इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कम समय को मापने के लिए। देखिए समझिएगा, ये सब आप लोगों ने इस्तेमाल भी किया है, अपने घरों में आपने इस्तेमाल किया होगा। अमित बहुत ही बढ़िया है ना, सभी लोग क्रोनोग्राफ, क्या तुमने इस तरह की घड़ी पहनी है? मेरे पास भी है इस तरह की घड़ी, आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस तरह की घड़ी पहने होंगे, तो यहां पे देखा होगा कि उसमें क्या होता है, छोटा छोटा आप सेकेंड भी नाप सकते हैं है ना, एक एक सेकंड वहां पे नाप सकते हैं आप, वहां पे कई बार मिली सेकंड भी मौजूद होता है वहां पे कि कितने मिली सेकंड पे घड़ी चल रही है। तो जो इस प्रकार के घड़ी में ये यहाँ पे आपके मीटर प्रेजेंट है ना, ये आपके क्या कहलाते हैं, क्रोनोग्राफ। और इस तरह की घड़ियों को क्या बोला जाता है मेरे शेर? इस तरह की घड़ियों को हम बोलते हैं सर क्रोनोग्राफ वाली घड़ी। क्या बोलते हैं? क्रोनोग्राफ वाली घड़ी। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है ना। चलिए अगला सवाल, 15वां सवाल है ना। अच्छा लॉलीपॉप मेरी दोस्त है, नाम चेंज है बस यार, तुम लोग क्या ये सब लॉलीपॉप वॉलीपॉप डालते हुए हैं, 5 स्टार लॉलीपॉप, डेरी मिल्क, सिल्क, चलो बहुत ही बढ़िया। 15वां सवाल, अगला सवाल का आंसर करेंगे सभी लोग बड़ी ढंग से, क्लास में पूरा फोकस करेंगे ठीक है, और ना खुद ज्यादा हंसेंगे ना मुझे ज्यादा हंसाएंगे, और लाइक वाइक करते रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है बता दो। 15वें का ए सी अलग अलग आ रहा, सी वाला आ रहा ओडोमीटर टू मेजर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन होम, बिल्कुल सी वाला गलत सुमेलित है, ओडोमीटर गति नापने के लिए है ना, गाड़ी की स्पीड नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मेरे भाई है ना, गाड़ियों में ये लगा होता है कि तुम्हारी गाड़ी 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर कितनी गति से चल रही है ना, कितनी रफ्तार से गाड़ी चल रही है, तो स्पीड नापने में ओडोमीटर का इस्तेमाल वहां पे होता है ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस नापने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस नापने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होता, बाकी सारे सही है, बाकी आपके सही सारे सही। ऑडियोमीटर का ध्वनि तीव्रता के लिए इस्तेमाल होता है, और कार्डियोग्राफ का हृदय की धड़कन का वो ग्राफ बनाता है ना, आपकी हृदय की धड़कन किस प्रकार से चल रही वो कार्डियोग्राफ काम करता है। क्लियर है यहां तक? चलिए है ना अगला, चलिए विद्युत आवेगों की शक्ति बढ़ाने का उपकरण कौन सा है?
अपैरेटस फॉर इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, है ना, स्पीड के लिए. अपैरेटस फॉर इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस क्या होगा? विद्युत आवेगों की शक्ति बढ़ाने का उपकरण. 16वां सवाल देखिए, विद्युत आवेगों यानी कि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, उनको क्या होता है? एम्पलीफायर आपने सुना है कभी? एम्पलीफायर आपने कभी सुना है? घर पे लगा होगा, देखा होगा, शादी पार्टी में एम्पलीफायर. क्या होता है एम्पलीफायर? एम्पलीफाई करता क्या है? ये आपके गाने को एकदम क्या देता है? बेस देता है. क्या देता है? बेस देता है. उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, उसकी शक्ति बढ़ा देता है. वो गाना तेज एकदम ढिचिक ढिचिक वाला जो साउंड आता है ना शादी बारात में, वो एम्पलीफायर के कारण आता है ना. क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेंथ बढ़ा देता है उस चीज की, है ना. तो ये सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है, और एम्पलीफाई का मतलब ही स्ट्रेंथ बढ़ाना यहाँ पे होता है. सर वॉइस नहीं आ रही है. दिव्यांशु मेरे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी आवाज ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी आवाज ना पहुंचे आप तक, ये नामुमकिन है. चलिए, हाँ बेटा, बेस तो तुमको भी बड़ा पसंद है, बेबी को बस काहे हैं. चलिए, भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद द, इंटेंसिटी किससे नापी जाती है बताओ? सिस्मोग्राफ. बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, सिस्मोग्राफ, है ना. इससे क्या नापी जाती है? किसी भी भूकंप की तीव्रता नापी जाती है. और किस चीज से पता चलता है कि भूकंप की तीव्रता कितनी थी? रिक्टर स्केल से. ठीक है, तो अगर कभी आए रिक्टर स्केल क्या नापता है, तो रिक्टर स्केल आपका नापता है कि कितने का इंटेंसिटी का मात्रा नापता है, जैसे 7.2, 5.6, है ना. तो ये इसकी तीव्रता का जो अंक बताता है वो रिक्टर स्केल बताता है ना, कि कितना खतरनाक वो आपका भूकंप था. बैरोमीटर सबको पता है, क्या नापने के लिए? दाब या प्रेशर नापने के लिए इस्तेमाल होता है. ठीक है, यहाँ पे. और फिर इसके बाद पॉलीग्राफ जो होता है, ये पॉलीग्राफ क्या होता है? ये आपका एक तरह से, जो आगे एक सवाल है पॉलीग्राफ पे, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा. ठीक है, यहाँ पे पॉलीग्राफ पे आगे एक अच्छा सा सवाल है, वहीं पे उसको बताऊंगा मैं. ठीक है, चलिए. तो ये देख सकते हैं आपके सामने, ये सिस्मोग्राफ है यहाँ पे. ठीक है, इस प्रकार से इसमें बनती रहती है ऐसे जिग जैक लाइन कि कितना तेज आपका भूकंप आया है. चलिए, सर वॉइस नहीं आ रहा. दिव्यांशु के अलावा किसी और को भी तकलीफ है क्या भाई वॉइस की? दिव्यांशु मेरे भाई, फिर ये आपके पास प्रॉब्लम है, यहां से नहीं है ना, क्योंकि क्लियर है सबको, बाकी कोई और नहीं बोल रहा है ना. चलिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मरकैली स्केल है ना, अर्थक्वेक की वैल्यू नापता है. बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं. 18वां सवाल, ऑडियोमीटर इज यूज्ड फॉर, ऑडियोमीटर का इस्तेमाल किस चीज में आ रहा है ना. चलिए, ऑडियोमीटर का इस्तेमाल किस चीज में होता है, ये आपका बताना है, फटाक से आंसर बता दो. सी ऑप्शन, मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड. बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना. इंटेंसिटी ऑफ साउंड ध्वनि की तीव्रता को मापने में इस्तेमाल होता है क्या? ऑडियोमीटर. भैया ऑडियो से बात ही समझ में आती है कि कोई चीज ध्वनि यानी साउंड से संबंधित है ना. ऑडियो की बात कर रहे हैं तो ध्वनि यानी कोई चीज साउंड से संबंधित है. आप सुनते हैं ना ऑडियो सॉन्ग, आप सुना करते हैं ना ऑडियो सॉन्ग्स, है ना, वो किससे संबंधित है? आपके ध्वनि से ही संबंधित है. चलिए आगे बढ़ेंगे. अगला सवाल आप सभी के सामने ये रहा, इस सवाल का आंसर करेंगे फटाक से. चलिए, द्रवों की श्यानता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? द्रवों की श्यानता, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड. चलो बता दो फटाक से अंकित, बहुत ही बढ़िया मेरे भाई. चलिए फटाक से बताएंगे सभी लोग आंसर. ठीक है, माफ करिएगा. चलिए बताइएगा क्या होगा विस्कोमीटर, क्या होगा इसका सही आंसर? आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा. विस्कोमीटर ये होता है, इस प्रकार का कुछ उपकरण होता है. इसके नीचे देखिए, ये क्या है? एक जार है. एक जार में क्या भरा हुआ है? इसमें मान लीजिए कोई आपने द्रव्य भर दिया, कोई तरल पदार्थ, कोई लिक्विड भर दिया. ठीक है, द्रव्य भर दिया, और इसमें तरल पदार्थ नापने पर जैसे ये देखिए यहाँ पे डुबाओगे, है ना, आप यहाँ पे एक मीटर डुबाओगे तो यहाँ पे आपको क्या बता देगा कि उसका आपका श्यानता कैसी है, विस्कोसिटी कितनी है. जैसे दही, सॉरी, अगर शहद, शहद की श्यानता ज्यादा होगी उसकी विस्कोसिटी कम होगी, पानी की विस्कोसिटी आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना. सॉरी, शहद की ज्यादा होगी विस्कोसिटी और पानी की कम हो जाएगी. बहुत ही बढ़िया, अगला सवाल है.
आगे बढ़ेंगे 20वां सवाल की तरफ। बहुत ही शानदार, एक बार लाइक जरूर करते रहेंगे वीडियो में, है ना, लाइक जरूर करेंगे। टोनोमीटर, हाँ टोनोमीटर आपका, ये आपका क्या है, आंख के अंदर प्रेशर नापने में इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा टोनोमीटर। बिल्कुल, एक स्टूडेंट ने बोला टोनोमीटर, बिल्कुल ये आपका क्या इस्तेमाल होता है ना, ये आपका प्रेशर इनसाइड अवर आई, हमारे आंख के अंदर दाब नापने में, प्रेशर, हमारे प्रेशर इनसाइड अवर आई, ठीक है। ये डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते होंगे, अगर आप कभी डॉक्टर के पास गए होंगे तो वो हमारी आंख में एक मशीन से बड़ी तेज से लाइट मारते हैं ना, वो हमारी आंख के अंदर ये देखते हैं कि हमारी आंख को कितना प्रेशर झेलना पड़ रहा, बाहर की रोशनी से कितना प्रेशर झेलना पड़ रहा है, ठीक है। तो टोनोमीटर इसी में इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है ना, प्रेशर इनसाइड अवर आई, टोनोमीटर बी ऑप्शन जो था, ठीक है। चलिए, वेंचुरी मीटर से रिलेटेड सवाल है, ये आपका क्या है, ये आपका पानी से संबंधित है ना। चलिए, और एक और है, अगर बात चलिए कॉलरी मीटर, कॉलरी मीटर तो ये आपका क्या होता है ना, ये जैसे लिक्विड में एक ये ऐसी डिवाइस होती है कि लिक्विड में ये नापती है कि वो लिक्विड ने अब्जॉर्ब कितना किया है लाइट को, है ना, वो नापता है कॉलरी मीटर, कोई भी लिक्विड है वो प्रकाश को कितना सोखता है, अवशोषित किया है, उस बात को नापता है, ठीक है। चलिए, वेंचुरी मीटर फ्लो ऑफ लिक्विड से संबंधित है, बिल्कुल सही आंसर है दीपा, है ना। आगे एक सवाल है बहुत अच्छा सा, उस पे करेंगे अपन। निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग गैसों के दाब को मापने के लिए किया जाता है, अब इस पे बताइएगा, है ना, इस पे बताइएगा आंसर। आगे चलेंगे, फटाक से चलेंगे, है ना। सर बारिश हो रही है, दिव्यांशु, अरे मेरे भाई यहां भी बारिश हो रही थी तभी तो बोल रहा हूँ, मस्त ठंडा मौसम है, एकदम रजाई में घुस के बढ़िया, है ना, आराम करने वाला मौसम है, चाय के साथ, पकौड़ों के साथ, लेकिन इस क्लास के बाद मैं चाय पीऊंगा और फिर आराम करूंगा, है ना, बहुत ही बढ़िया। आपको भी तभी तक आराम नहीं करना जब तक मैं आराम नहीं करता यार, एक बार थोड़ा लाइक वाइक दबा दो, हैं 50 लाइक तो पहुंचाओ यार, यार तुम लोग यार मुझे निराश कर देते हो। चलो आगे बढ़े, क्या होगा सही आंसर, गैसों का दाब नापने में कौन सा उपकरण का इस्तेमाल होता है, मैनोमीटर का, बताओ भैया, मैनोमीटर बी ऑप्शन, किसी को नहीं पता क्या ये मैनोमीटर है ना, प्रेशर ऑफ गैस या लिक्विड, इस प्रकार का होता है ये देखिए, इस प्रकार का उपकरण है ये, आपका गैस के साथ साथ लिक्विड दोनों का आपका क्या नापता है, दाब नापता है, मैनोमीटर। बैरोमीटर आपसे हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हो, प्रेशर यानी दाब नाम सुन करके और बैरोमीटर से, तो याद रखिएगा ये आपका वायुमंडलीय दाब नापता है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के काम आता है, क्या नापता है, वायुमंडलीय दाब, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के काम आया करता है। और एमीटर, एमीटर करंट का परिमाप नापता है ना, करंट का मैग्नीट्यूड नापता है, करंट का परिमाप यानी कि मैग्नीट्यूड नापा करता है, क्लियर है यहां तक, तो मैनोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ यार आराम हराम है ना, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता और जब तक मन चाही नौकरी नहीं मिल जाती तब तक बैठना नहीं है, ठीक है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया, मैनोमीटर बहुत ही बढ़िया करेक्ट आंसर है ना, बहुत ही शानदार, आगे बढ़े। नहीं बैरोमीटर सुयस मेरे भाई, वो गैस और लिक्विड का टेम्परेचर नहीं नापता, वो हमारे वायुमंडल का, हमारे एटमोसफियर का दाब नापता है ना, एटमोस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब नापता है। अगला सवाल है, एंगस्ट्रॉम क्या नापता है, व्हाट डज एंगस्ट्रॉम मेजर। भैया पहली बात एक चीज याद रखनी है कि सर एंगस्ट्रॉम होता क्या है, एंगस्ट्रॉम जो है वो तुम्हारी लंबाई की इकाई है, ये 10^-10 मीटर के बराबर होता है, 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10^-10 मीटर के बराबर, और ये इतना छोटा, इतना छोटा, इतना सूक्ष्म चीज क्या होती है सर, ऐसी चीजें केवल और केवल प्रकाश की तरंगे ही हो सकती हैं, इतनी छोटी चीज जो कि 10^-10 मीटर के लंबाई की हो, वो केवल तरंगे हो सकती हैं, प्रकाश की लाइट वेव्स ही हो सकती हैं। तो आपका एंगस्ट्रॉम लेंथ ऑफ लाइट वेव, प्रकाश तरंगों की लंबाई नापता है, क्लियर है, बहुत ही बढ़िया है ना, बहुत ही बढ़िया, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ेंगे, 22वां सवाल, एल्टीमीटर, नाइजीरिया का भी बच्चा इस सवाल को आंसर करता है और आपको इसीलिए इस सवाल का आंसर फटाक से करना है, फटाक से बता दो, अल्टीमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है, अल्टीमीटर वायुमंडलीय दाब, जमीन के ऊपर अनुमानित ऊंचाई, या एक विद्युत प्रवाह की ताकत, या सुनने में अंतर, किस चीज को नापा जाता है, इस प्रकार से हाथ में घड़ी के तौर पे इसको लगाते हैं, इस पे घड़ी के तौर पे ये हाथ पे लगता है आपके एल्टीमीटर, और किस चीज को नापता है, एटीट्यूड को नहीं नापता है, एल्टीट्यूड को नापता है ना। चलिए, एटीट्यूड कौन बोल रहा
है ना, अप्रोक्सीमेट हाइट अबव द ग्राउंड, एल्टीट्यूड को नापता है, जमीन के ऊपर अनुमानित ऊंचाई नापता है एल्टीमीटर, है ना। मतलब समुद्री सतह से आप कितने ऊपर हो, जैसे आप कोई ट्रैकिंग पे गए तो आप कहां पे जाओगे, पहाड़ पे जाओगे, तो वो बताएगा जमीन से आप 20,000 फुट की ऊंचाई पे हो, 22,000 फुट की ऊंचाई पे हो, है ना। तो वो जो ऊंचाई बताता है उपकरण वो कहलाता है एल्टीमीटर, है ना, एल्टीट्यूड नापता है ना। एल्टीट्यूड होगा, एटीट्यूड नहीं होगा। दीपा बोल रही है एटीट्यूड नापता है, है? दीपा आप एटीट्यूड नापते हो क्या एल्टीमीटर से, है? ऐसा मत करिए यार प्लीज, है ना, एटीट्यूड मत नापिए, है ना, एल्टीट्यूड नापिए। चलिए दिनेश सर, हम युगांडा की राजधानी किगाली से हैं, तभी तो भाई, तभी तो मुझे पता है कि तुमको आंसर आता है, क्योंकि युगांडा के बच्चे को आंसर आना चाहिए, तभी तो तुमसे आंसर आता है। चलिए, है ना, बहुत ही बढ़िया। चलिए बहुत ही बढ़िया गाइस, मेरे भाई अगला सवाल का आंसर देंगे। हवा का वेग किसके द्वारा मापा जाता है, वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड इन स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, एनीमोमीटर या ऑडियोमीटर, बता दो। वेलोसिटी ऑफ विंड, हवा का वेग। कल से बायोलॉजी स्टार्ट होगी और मजा आ जाएगा आपको बायोलॉजी पढ़ने में। कल पहला चैप्टर होगा, पहला चैप्टर होगा आपका बायोलॉजी का, और जो पहला चैप्टर है वो चैप्टर रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जीव जंतुओं का या जंतुओं का वर्गीकरण करेंगे कल अपन। 23वें का एनीमोमीटर बहुत ही आसान सा है सवाल, कुछ इस प्रकार का उपकरण आप कई लगे देखे होंगे। एनीमोमीटर आपकी दिशा भी बताता है, आज से याद रखिएगा, है ना, आपके हवा की दिशा भी बताता है, विंड की डायरेक्शन भी बताता है, हवा की दिशा भी बताता है और साथ में उसकी गति भी बताता है। तो दिशा और गति दोनों बताने का काम कौन करता है, एनीमोमीटर करता है, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, अगला सवाल। माइक्रोफोन इज यूज्ड टू कन्वर्ट, माइक्रोफोन मतलब माइक, मैं जैसे बोल रहा हूं ना तो आपके पास आवाज जा रही है, किसके कारण जा रही है, माइक के कारण या माइक्रोफोन के कारण जा रही है। तो आप बता दो माइक्रोफोन का उपयोग किसमें परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, ध्वनि तरंगों को विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि तरंगों को प्रकाश किरणों में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि तरंगों में, या ध्वनि तरंग को चुंबकीय धाराओं में, किसमें किया जाता है इसका आंसर, फटाफट आंसर आने चाहिए। और एक बार लाइक कर देंगे, है ना, फटाफट, और शेयर जरूर करते रहेंगे, वीडियो शेयर करते रहा करो यार, है ना। क्या होगा, ध्वनि तरंगों को विद्युत ऊर्जा में, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखिए क्या होता है ना, माइक्रोफोन में क्या होता है, जैसे मैं यहां से बोल रहा हूं और आप अपने घर पे बैठ करके आराम से मेरी बात सुन रहे हो, तो जैसे मान लो ये कौन है, ये तुम्हारे सौरभ सर हो गए, तो ये सौरभ सर क्या हो रहा है, दहाड़ दहाड़ के तुमको क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या निकला, मेरा साउंड निकला, मेरे मुंह से साउंड गया, इसमें साउंड एनर्जी यानी ध्वनि तरंगे, है ना, साउंड वेव्स किसमें परिवर्तित हो जाएंगी, विद्युत ऊर्जा में यानी इलेक्ट्रिक करंट में, है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी में प्रोड्यूस हो जाएंगे, और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में साउंड जाएगा और यहाँ पे तुम्हारे पास पहुंचेगा। मान लो ये कौन बैठा है, ये यहाँ पे श्रेयस बैठा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे श्रेयस बैठ करके अपने दोनों बड़े बड़े कानों से मेरी आवाज सुन रहा है, ठीक है। तो यहां पे फिर से क्या हो रहा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें बदल गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर से साउंड एनर्जी में बदल गई, ठीक है, और उसे क्या बोला जाता है, स्पीकर बोला जाता है, क्या बोलते हैं उसको, स्पीकर बोलते हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल, वेंचुरी ट्यूब का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, वेंचुरी ट्यूब, वेंचुरी ट्यूब, ये सवाल अच्छा सवाल है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, वेंचुरी ट्यूब, है ना, ये आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल, नहीं माफ करिएगा, क्या नाम था उनका, जिसके एक प्रिंसिपल में इसका इस्तेमाल होता है वेंचुरी ट्यूब का। फिलहाल अभी ध्यान दीजिएगा, आंसर जो इसका आंसर होगा अभी के लिए जो आंसर होगा वो डी आंसर हो जाएगा, द्रव्य का प्रवाह मापने में, है ना, क्या नापने में, फ्लो ऑफ लिक्विड नापने में इस्तेमाल किया जाता है, कुछ इस प्रकार का, कुछ इस प्रकार का ये उपकरण होता है वेंचुरी मीटर, है ना, जैसा आपके सामने दिख रहा है इस प्रकार का होता है। इस पे जैसे यहां पे ज्यादा क्षेत्रफल है तो यहां पे क्या है, यहां पे आपको प्रेशर ज्यादा देना पड़ेगा, किसी भी द्रव्य को प्रेशर ज्यादा देना पड़ेगा और उसकी गति क्या होगी, आपकी कम होगी, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे प्रेशर उस पे कम होगा और उसकी गति बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है वेंचुरी मीटर में, ये कंडीशन होती है वेंचुरी मीटर में, द्रव्य के प्रवाह को नापता है ये, है ना, द्रव्य के प्रवाह को नापता है, बहुत ही बढ़िया है ना। चलो अभी क्लास पे ध्यान दो, है ना, थोड़ा ज्यादा क्लास पे फोकस किया करो, है ना, फालतू की बात के अलावा भी क्लास पे फोकस किया करो, हर टाइम मजाक नहीं अच्छा लगता। चलो ध्यान से पढ़ेंगे क्लास में,
सभी लोग फोकस करेंगे एक बार और आंसर करते हुए चलेंगे सारे सवालों का शानदार ढंग से। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है, फिर से बता दो। 26वें का बी आंसर, 26वें का क्या आंसर आ रहा है? बी आंसर आ रहा है। नहीं यार, बी ऑप्शन नहीं होगा ना, है ना। एंडोस्कोप, निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है? पहला क्या है? एंडोस्कोप, शरीर के आंतरिक भागों की जांच करने के लिए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल उसी में इस्तेमाल होता है। हाइपोमीटर, तरल पदार्थों का कथनांक यानी कि उनका बॉइलिंग पॉइंट नापने में हिप्सोमीटर का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, तरल पदार्थों का कथनांक नापने में इस्तेमाल होता है। मैनोमीटर, मेजर द प्रेशर ऑफ गैसेस, बिल्कुल गैस और तरल पदार्थों का दाब नापने में मैनोमीटर का इस्तेमाल होता है। तो सर डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेलेनीमीटर, जो आपका डी ऑप्शन है ना, जो डी ऑप्शन है, ये आपका क्या है, ये डेंसिटी नहीं नापता, क्या नहीं नापता, घनत्व तो नहीं नापता, क्या नापता है, सेलिनोमीटर, ये सेलिनिटी नापता है, किसी भी किसका, किसी भी घोल का, कोई भी सॉल्यूशन होगा तो उसकी लवणता नापता है ना, कि उसमें नमक कितना है, उसकी सेलिनिटी नापता है। यहाँ पे देखो ये चम्मच की तरह है, यहाँ पे आप वो द्रव्य भर दो, ठीक है, वो लिक्विड आप यहाँ पे भर दो, तो इससे ये पता चल जाएगा कि भैया इसमें नमक कितना है, लवणता कितनी है, कितना लवण मौजूद है, वो होता है सेलिनोमीटर। क्या होता है वो? सेलिनोमीटर कहलाता है। आगे बढ़ेंगे 27वां सवाल, ठीक है। फैथोमीटर का इस्तेमाल किसमें इस्तेमाल किया जाता है? फैथोमीटर, ये एक शब्द भी है फैथोमीटर, ठीक है, फैथो, अगर आप फैथो से समझते होंगे बात को तो, ठीक है, ये एक आपका शब्द भी है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, सभी लोग आंसर करना है इसका, और वीडियो पसंद आए यार गाइस तो एक बार लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, भाई के लिए अपने लाइक जरूर करिएगा, है ना, और एटलीस्ट क्लास खत्म होने से पहले 60-70 लाइक तो पहुंचनी चाहिए क्लास। बिल्कुल, महासागर की गहराइयों के लिए फैथोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सीधी सी बात है कि भैया महासागर बहुत गहरे होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि किसी को वहां पे कूदा दिए कि भैया जा, है ना, नाप के आ, सागर की गहराई नाप के आ, तो वो नीचे जा करके गहराई नापेगा, ऐसा तो है नहीं, है ना, कि किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर पहना के और कूदा दिए, बोल दे ये ले इंची टेप और जा करके नाप के आ, है ना, कितना गहरा है पैसिफिक ओशियन, ऐसा तो करेंगे नहीं, इसीलिए जो उपकरण का इस्तेमाल होता है वो होता है फैदोमीटर। फैदोमीटर का इस्तेमाल महासागर की गहराई के लिए किया जाता है, क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। ओशियन डेप्थ, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ सबका करेक्ट आंसर है ना। नहीं, सोनार का इस्तेमाल दूसरी चीज में किया जाता है दीपा, है ना, सोनार का इस्तेमाल दूसरी चीज में किया जाता है, आपका गहराई नापने में सोनार नहीं इस्तेमाल होता है ना। चलिए, पनडुब्बियों में समुद्र या जमीन की सतह पर वस्तु का स्पष्ट दृष्टि देने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? ठीक है, ये पनडुब्बियों में लगा एक उपकरण है, जिससे क्या होता है, पनडुब्बी भले पानी के अंदर है लेकिन वो बाहर, है ना, समुद्र की सतह के ऊपर देख सके, उसके पास एक ऐसा उपकरण होता है, ठीक है, ग्राउंड पे देख सके वो, है ना, ग्राउंड पे देख सके या समुद्र की सतह से ऊपर देख सके, है ना, तो आपका ऐसा उपकरण कौन सा होता है जो पनडुब्बियों में लगा होता है? तो बिल्कुल ऐसे उपकरण को क्या बोलते हैं? पेरीस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, पेरीस्कोप ऐसे उपकरण को कहा जाता है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कुछ इस प्रकार का होता है। देखिए ये क्या है, ये आपकी समुद्र है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या है, आपका समुद्र है, ठीक है, और ये क्या है, तुम्हारी सबमरीन है, ये क्या है मेरे शेर, ये तुम्हारी सबमरीन है, और यहां से आप देख सकते हैं तो ये लगा हुआ है आपका पेरीस्कोप, है ना, तो वो समुद्र के अंदर ही है, ये सबमरीन तुम्हारी समुद्र के अंदर है, लेकिन ये समझ लो एक ऐसा डंडा उठा करके और इधर पे एक प्रकार से ये इसकी आंख का काम करता है और देख लेता है कि क्या कोई पानी की सतह से ऊपर जहाज तो नहीं आ रहा, या आसपास दूर में कुछ दूर पे कोई जहाज तो नहीं है, है ना, तो ये सारी चीजें देखते हैं, आने वाले खतरे को नापते हैं, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल पेरिस्कोप आपका नापता है, यहां तक क्लियर है सबको, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अगला सवाल, विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण। विद्युत धारा मापने, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और इसको कई बार लोग गलत भी कर देते हैं। बहुत बच्चों के मन में मेरे भाई एक डाउट रहता है, सर गैल्वेनोमीटर क्या है ना, कभी लोग गैल्वेनोमीटर से कंफ्यूज होते हैं, कभी अमीटर से। बिल्कुल, अभी तो अमीटर आप सभी लोग आंसर कर रहे हो, अमीटर करेक्ट आंसर है, क्योंकि मैंने बोला विद्युत धारा को मापने, मापने से क्या संबंध है सर, मापने से संबंध है मैग्नीट्यूड का, यानी कि परिमाप का,
किस चीज का संबंध है? परिमाप का, यानी कि किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है ना, किसी विद्युत परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है वो नापते हैं आप किससे? आप एमीटर से नापते हैं। कि आप बोल दोगे सर 5 एम्पियर की करंट है, 10 एम्पियर की करंट है, लेकिन लेकिन मैं अगर केवल ये बोलूं कि मुझे इससे नहीं मतलब है कि कोई विद्युत परिपथ में कितनी धारा है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 5, 10, 15, 20 एम्पियर मुझे नहीं मतलब है, मुझे केवल इतना बता दो कि क्या एक विद्युत परिपथ में करंट है कि नहीं है, केवल और केवल इतना बता दो कि क्या विद्युत परिपथ में करंट है कि नहीं है। आप कहोगे सर उस चीज को नापता है गैल्वेनोमीटर, है ना, तो क्या केवल ये परिपथ में क्या करता है, आपके करंट को चेक करता है कि करंट है कि नहीं है, है ना, केवल ये करंट को चेक करता है। मैं लिख देता हूं यहां पे, केवल और केवल करंट को ये चेक करता है ना। जैसे टेस्टर, आप लोगों ने देखा होगा जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं वो हाथ में क्या लिए रहते हैं, टेस्टर लिए रहते हैं और टच करके देख लेते हैं, अगर उनके टेस्टर पे लाइट जलती है तो वो कह देते हैं कि अरे इस वाले तार पे करंट आ रहा अभी भी, बटन बंद कर दो, है ना, इस वाले तार पे करंट आ रहा बटन बंद कर दो नहीं तो करंट लग जाएगा। तो वो जो होता है वो होता है गैल्वेनोमीटर। तो आज से कभी कंफ्यूज मत होना, मैग्नीट्यूड नापे तो अमीटर, केवल ये बोले कि पता लगा दो केवल कि करंट है कि नहीं, तो गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। हाँ मेरे भाई, सर आप अर्थू को जानते हो? अरे जानता हूं मेरे भाई, भांजा है मेरा, है ना। चलो आ जाओ, यहां तक क्लियर है? अच्छा देखो, 6 थर्मामीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सवाल मतलब जो बहुत ही कम बार पूछे गए हैं या अभी तक नहीं पूछे गए हैं, तो इस तरह के सवाल ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो इसका बता दो आंसर, बताओ फटाक से आंसर। सी ऑप्शन कर रहे हैं, लोवेस्ट हाईएस्ट टेम्परेचर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी आंसर आपका करेक्ट आंसर है। देखिए ये ऐसा उपकरण होता है, अगर आप अपने सामने देखें तो ये कुछ ऐसा उपकरण होता है कि एक निश्चित समय अंतराल में, यानी एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में, अगर मैं बात करूं कि 24 घंटे, अगर मैं बात करूं 24 घंटे, और मैं बोला इस एक दिन में, एक इस 24 घंटे में आप बताओ कि ठंड में सबसे न्यूनतम तापमान कितना था और सबसे अधिकतम तापमान कितना था, यानी कि लोवेस्ट टेम्परेचर कितना था और हाईएस्ट टेम्परेचर कितना था, ये बात नापो। तो 6 थर्मामीटर आपका ऐसा उपकरण है, ऐसी डिवाइस है जो कि अगर मैं उसमें ऐसा टाइमर सेट कर दूं कि केवल अगले 24 घंटे का मुझे नापना है, तो वो नाप के बता देगा कि सर अगले 24 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान गया था और 18 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान गया था। तो लोवेस्ट और हाईएस्ट टेम्परेचर को ये नापता है। क्लियर है, यहां तक सभी को समझ में आता है ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एक बार लाइक जरूर करेंगे, है ना। 30th का सी आरोही, बिल्कुल करेक्ट आंसर है गौतम, बहुत ही बढ़िया, ऑलमोस्ट सभी लोग का सही आंसर है, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, है ना, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। 31वें सवाल की तरफ चलेंगे सभी लोग। दूध का घनत्व तो किसके द्वारा मापा जाता है? डेंसिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड इन, है ना, दूध का घनत्व, तो दूध का घनत्व, तो बिल्कुल लैक्टोमीटर, है ना। लैक्टोमीटर क्या होता है? कुछ नहीं, एक आपका थर्मामीटर की तरह ही उपकरण होता है ना, थर्मामीटर की तरह ही उपकरण होता है, एक कंटेनर में आप दूध भर दो, है ना, और उसमें क्या डाल दो, लैक्टोमीटर, तो ये बताता है कि उस दूध में पानी कितना है और दूध कितना है। ठीक है, तो अगर आप तुम ये लैक्टोमीटर रख लो ना अपने घर में, तो तुम दूध वाले को अपने बोल सकते हो, अगर आपके घर में दूध वाला आता और वो ज्यादा पानी मिलाता तो आप बोल सकते हो भैया ऐसा नहीं चलेगा, है ना, बहुत ज्यादा पानी मिला रहे हो, ये देखो इतना पानी तुमने मिलाया है दूध में, तो वो होता है लैक्टोमीटर, वो क्या हो जाता है, लैक्टोमीटर तुम्हारा हो जाता है। ठीक है, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी नापता है ना, बैरोमीटर प्रेशर नापता है। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया, अब तो लगभग लगभग जितने ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, वो सारे ऑप्शन मैंने ऑलरेडी ले लिए हैं, है ना, सारे ऑप्शन ऑलरेडी पीछे सवालों में के रूप में मैंने ले लिए हैं उनको। ठीक है, चलिए सर कितने का मिलेगा? अरे मेरे भाई हटाओ यार, क्या फालतू खर्चा करना है ना सुधीर, है ना, मेरे भाई मेरे पास भी नहीं है ना, अभी मुझे भी पता करना पड़ेगा कितने का आता है। दीक्षा गुड इवनिंग, बहुत ही जल्दी आए हैं आप क्लास में, इतना जल्दी आएंगे तो कैसे पढ़ेंगे, बताइए। अगला सवाल, रेडियो तरंगों के माध्यम से आने वाले हवाई जहाज की दिशा और सीमा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? टू डिटेक्ट द डायरेक्शन एंड रेंज ऑफ एन अप्रोचिंग एयरप्लेन बाय मीन्स ऑफ रेडियो वेव्स विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज, रडार, लैक्टोमीटर, माइक्रो पायरोमीटर या माकमीटर? बिल्कुल रडार इस्तेमाल किया जाता है,
रडार इस्तेमाल किया जाता है। सुलेखा बहुत ही बढ़िया, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्या होता है रडार का फुल फॉर्म? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। इस प्रकार का कुछ ये दिखाई पड़ता है, आप टीवी वगैरह में देखे होंगे है ना, कि यहाँ पे ये वाला क्या है, ये आपके मान लीजिए ये आपके हवाई जहाज हैं, और ये लाल रंग का जो दिख रहा है ये दुश्मन का हवाई जहाज है, ये एनिमी का हवाई जहाज है। तो ये पता चलता है कि आपके नजदीक कितना वो पहुंच रहे हैं, ठीक है, वो हवाई जहाज एरोप्लेन कितना आपके नजदीक है, तो उनकी दिशा है ना कि किस दिशा से आ रहा है, डायरेक्शन बताता है और कितनी दूरी पे है, रेंज बताता है। तो ये काम रडार करता है, क्लियर है? चलिए बहुत ही बढ़िया, चलिए आगे बढ़े आगे बढ़े। अगला सवाल है 33वां, आपेक्षित आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आपेक्षित आर्द्रता को, ह्यूमिडिटी को नापने के लिए कौन सा इस्तेमाल किया जाता है उपकरण का, है ना? एक बार लाइक वाइक करेंगे फटाफट, है ना, लाइक करते रहना वीडियो में। चलो आगे बढ़े, बी ऑप्शन हाइग्रोमीटर। बहुत ही आसान, बेहद आसान सा सवाल है। हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ इस प्रकार का आपका उपकरण दिखता है जो कि आपका आर्द्रता, जैसे कि जब बरसात का मौसम होता है, जब पानी गिरा रहता है, तब उस समय पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि हमारे वायु में कितनी आर्द्रता मौजूद है, कितना पानी मौजूद है, उस चीज को नापता है। गर्मी के मौसम में भी उसी चीज को नापने में मदद करता है, ठीक है? तो आपका हाइग्रोमीटर सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है 34वां, दूरबीन का प्रयोग क्या देखने में किया जाता है? द टेलीस्कोप इज यूज्ड फॉर व्यूइंग। आप इस प्रकार से देखे होंगे टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का इस्तेमाल किस चीज में किया जाता है बता दो, फटाक से बता दो टेलीस्कोप का इस्तेमाल। 34वें का ए ऑप्शन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर की वस्तुओं को देखने में इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है सभी लोग मेरे भाई? सही आंसर कर रहे हैं 34वें का ए ऑप्शन, बिल्कुल। दीपा, दीपू, गौतम, ठीक है। स्मॉल ऑब्जेक्ट नहीं यार कृष्णा मेरे भाई, स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है ना, माइक्रोस्कोप का, टेलीस्कोप का इस्तेमाल नहीं होता। टेलीस्कोप क्या होता है? आसमान में या दूर की वस्तुओं में। आसमान में दूर में क्या है भैया? बड़ी बड़ी वस्तुएं है ना, चांद, सितारे, सूरज या दूसरे ग्रह, यही तो मौजूद है आसमान में, और हम उनको देखने के लिए टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया करते हैं। तो दूर की वस्तुओं को इस्तेमाल किया जाता है टेलीस्कोप में। क्लियर है यहां पर? क्लियर है यहां तक? चलिए बहुत ही बढ़िया, अगला सवाल, अगला सवाल। 49 लाइक्स हो गए हैं और सभी लोग एक बार लाइक करके अर्धशतक की तरफ बढ़ेंगे और फिर इसके बाद और आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? अर्धशतक बनाइए, मार दीजिए अर्धशतक आज की क्लास में। भोजन की ऊर्जा मापी जाती है किसमें? द एनर्जी ऑफ फूड इज मेजर्ड इन। एक, चलिए बहुत ही बढ़िया, है ना, तुम लोग क्या बात करते रहते हो। एनर्जी ऑफ फूड इज मेजर्ड इन, भोजन की ऊर्जा किसमें मापी जाती है बता दो। चलें बढ़िया, बताएं, बिल्कुल कैलोरी में नापी जाती है ना, एनर्जी ऑफ फूड। जैसे आप बोलते हो ना कि आप अगर बर्गर खा के आए तो कहते हैं कि बर्गर में कितनी कैलोरी होती है, 200 कैलोरीज होती हैं, है ना, कितनी होती है, 200 कैलोरीज, इसीलिए लोग जल्दी जल्दी मोटे हो जाते हैं बर्गर वगैरह खा करके, है ना। पिज्जा में खाते हैं तो 150 कैलोरी होती है, तो हम क्या नापते हैं कि उस फूड में एनर्जी कितनी है ना, कितना ज्यादा कैलोरीज आपको दे रही है, कितना ज्यादा मोटापा आपका बढ़ता है शरीर का, तो कैलोरीज नापता है, कैलोरीज नापता है, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, और यहीं पे आज का आपका करते हैं समापन समारोह भी, है ना। लगभग लगभग हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट कर लिए हैं, लगभग लगभग अपन अंतिम कगार पे हैं, सारी चीजें मैंने कर डाली हैं कवर, 35 सवालों में बहुत सारी चीजें आपको बताई हैं। तो यहीं पे करते हैं समापन समारोह आज की क्लास का। वीडियो लाइक जरूर करिएगा। रैंक बूस्टर कोर्स आप में से जो भी CBT 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 35% डिस्काउंट के लिए सौरभ या सौरभ सर का कूपन कोड लगाइएगा, सबसे सस्ता 909 पे ये कोर्स आपको मिलेगा इस कूपन कोड पे, ठीक है? तो आप सोच रहे हैं तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्लियर है? चलिए तो एक बार लाइक जरूर करना वीडियो में, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और साइंस बाई सौरभ सर ग्रुप ज्वाइन करो, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप। आपको यहाँ पे सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाती है और साथ ही आपको यहाँ पे PDF भी मिल जाएगा, और मेरे से आप कभी भी कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है? तो साइंस बाई सौरभ सर ये आपका टेलीग्राम का ग्रुप है, ठीक है, तो इसको आप ज्वाइन कर लो, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। कल से बायोलॉजी स्टार्ट हो रही है ना, कल से यानी कि बुधवार से, यहाँ पे मैं लिख दे रहा, वेडनसडे से, कल से रात के 10 बजे, याद रखिएगा,
बायोलॉजी का शुभारंभ होने जा रहा है। किसका शुभारंभ होने जा रहा है? बायोलॉजी का स्टार्ट होने जा रही है क्लास, शुभारंभ करेंगे। और पहली सवाल, पहली क्लास होगी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी जंतुओं का वर्गीकरण। ठीक है, तो बिना कोई नोटिफिकेशन के भी अपने फोन में अलार्म लगा लेना, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आपको पढ़ना है। बिल्कुल जैसे मैंने करीब 11 से 12 क्लास में पूरी फिजिक्स आपको पढ़ाई है, और मैंने ऑप्टिक्स वाला नहीं पढ़ाया, मैंने ऑप्टिक्स ऑलरेडी 2 घंटे पढ़ा रखा है, 2 सवा 2 घंटे का ऑप्टिक्स बाय सौरभ सर, आप सर्च करना, मिल जाएगा यूट्यूब में। ठीक है, और इसी वीडियो की प्लेलिस्ट में भी पढ़ा हुआ है वो 2 घंटे का लेक्चर। ठीक है, तो उस पे आप ऑप्टिक्स देख लेना, बाकी पूरी फिजिक्स मैंने शानदार ढंग से आपको पढ़ा दी है। अब कल से शुरू करेंगे बायोलॉजी, और कम से कम 14-15, आगे की 14-15 क्लास में, यानी कि कुल 14-15 जनवरी तक में मैं खत्म कर दूंगा बायोलॉजी, और उसके बाद अगली 10 क्लास में केमिस्ट्री खत्म होगी, और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो शानदार एमसीक्यू सेशन चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे एक बार लाइक करिएगा वीडियो को, और मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना, और टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल बायोलॉजी की क्लास।